हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। जी हाँ, बता दें कि कोरोना ने अपनी चपेट में बॉलीवुड को ऐसे ले लिया है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, सबसे पहले सभी को मालूम है कि करीना कपूर खान कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और बताया जा रहा है कि जितने भी एक्ट्रेसेस या उनका रिलेटिव कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उसका बड़ा बड़ा कारण है करण जौहर की पार्टी। जी हाँ, लेकिन करण जौहर का इस बात पे कुछ भी कहना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर जाने के बाद लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन लगता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई सेलेब्स की जान तक चली गई। अब एक बार फिर से कोरोना ने वापसी ले ली है और फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स को अपनी चपेट में भी ले लिया है। हाल ही में करीना कपूर के खान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ही आई थी। अब एक और एक्ट्रेस के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। जी हाँ, बता दें कि करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा के अभी कुछ चांसेस हैं और साथ ही महीप कपूर और सीमा खान के बाद अब बारी यहाँ पर आई है एक्टर संजय कपूर की बेटी एक्ट्रेस शनाया कपूर की। कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसकी जानकारी खुद शनाया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर दी है। शनाया ने लिखा है, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझ में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, लेकिन मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मैंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। 4 दिन पहले ही मैं कोरोना नेगेटिव हुई थी, लेकिन अब मैंने फिर से जांच करवाई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं डॉक्टर की सलाह का पालन कर रही हूँ। अगर बीते दिनों में आप में से कोई भी मेरे संपर्क में आया है तो कृपा करके अपनी जांच करवाएं। इस तरह की पोस्ट शनाया कपूर द्वारा इंस्टाग्राम पे डाली गई है। शनाया ने पहले उनके पिता संजय कपूर और मां महीप कपूर को भी कोरोना हुआ है। शनाया की मां महीप हाल ही में करण जौहर की पार्टी में पहुंची थी। इन सब के अलावा करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कुल मिलाकर ये फिर से सबके लिए खतरे की घंटी है। कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है और ऐसे में सबको सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। आने वाले दिनों में कई और स्टार्स के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ चुकी है। साथ ही बता दें कि अब आपको अगर कोरोना से बचना है तो पूरे तरीके से नियमों का पालन भी करना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि शनाया के द्वारा जो पोस्ट डाली गई है कि घर पर रहकर ही वो ठीक होगी, तो क्या होता है आगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।